सो गाइज आज न्यूज़ में है अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टर फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीरियल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वो। तो आपको जैसे कि पता ही है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वो बहुत ही पॉपुलर सीरियल है और वहाँ पे मतलब इसकी फैन फॉलोइंग अलग लेवल पर पहुँच गई थी और मतलब नंबर वन पे पहुँच गया था। इसके बारे में हमने आपको इन्फॉर्म भी किया था। शो तो पॉपुलर हुआ ही, साथ में पॉपुलर हुए इसके लीड एक्टर कांग ते ओ। तो कांग ते ओ से रिलेटेड ही न्यूज़ है कि कांग ते ओ रिसेंटली पहुंचे इनलिस्टमेंट के लिए, जहां पे उनको मिलिट्री बेस में इंटर होते हुए देखा गया और कांग ते ओ ने अपने लंबे बाल छोटे कर लिए जैसा कि करना पड़ता है वहां पे। और वहां पे जब वो पहुंचे तो उनको ग्रीट करने के लिए ढेर सारे फैंस पहुंचे हुए थे और वो डिमांड करने लगे कि वो उनको अपना शेव्ड हेड दिखाएं। बट कांग ते ओ थोड़ा शाई नेचर के हैं जैसा कि आप जानते ही हो, और वो बहुत शाई फील कर रहे थे और शुरू में वो तैयार नहीं हो रहे थे। बट फैंस ने जब उनको चेयर करना शुरू कर दिया, क्लैपिंग शुरू कर दी, तो कांग ते ओ ने फाइनली अपना कैप उतारा और अपना शेव्ड हेड। बट यहाँ पे जो गौर करने वाली चीज है वो ये है कि वहां पे जो फैंस पहुंचे हुए थे और बहुत सारे फैंस जो कि उनको फॉलो कर रहे हैं, वो जानते हैं कि जब आप एनलिस्ट करते हो तो करीब 1.5-2 साल के लिए आप उनको नहीं देख पाओगे। उसके बावजूद फैंस जो हैं उनको सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे, ग्रीट कर रहे थे, उन चीयर अप कर रहे थे। ये दिखाता कि कोरियंस अपने देश से कितना प्यार करते हैं, कितना पैट्रियटिज्म उनमें है कि अपने फेवरेट आइडल, अपने फेवरेट एक्टर के लिए भी वो अपने कंट्री की ड्यूटी से पीछे नहीं हटते हैं और अपने आइडल्स को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। हमने BTS के केस ही बताया था कि जो मिलिट्री एनलिस्टमेंट इशू वहां पे चल रहा है, वहां पे भी जब सर्वे कराया गया था कि BTS को एनलिस्ट करना चाहिए या फिर उनको एग्जेम्पशन दे देना चाहिए, वहां पे भी मेजॉरिटी ऑफ द फैंस, इनफैक्ट ओवरवेलमिंग 73% से ज्यादा ऐसे लोग जो 20 ईयर्स के अंदर थे, उन्होंने ये बोल दिया था कि इनको अपनी ड्यूटी करने के लिए, अपने कंट्री को सर्व करने के लिए एनलिस्ट करना चाहिए। मतलब वो बेयर कर सकते हैं कि 1.5-2 साल तक अपने फेवरेट आइडल्स को, अपने फेवरेट एक्टर्स को ना देखें, बट कंट्री इज फर्स्ट, कंट्री इज अबव एवरीथिंग, कंट्री है तो सब कुछ है। ये कोरियंस लगातार मैसेज देते रहते हैं। तो आपका इस मैटर पे क्या सोचना है प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताना। एंड वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई हुड हॉलीवुड।